हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना किसी सब्जी के ही बहुत ही टेस्टी सब्जी बनाना बता रही हूँ। सिर्फ प्याज, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्च, इनसे ही हम बहुत टेस्टी सब्जी बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ पर देखिए, मैंने टमाटर को कट कर लिए हैं, 2 टमाटर को। बाकी 2 टमाटर मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिए हैं। प्याज मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटी ही काटी है, जिसको हम छील करके इसकी अलग करेंगे लेयर। और ये लिया है लहसुन और हरी मिर्च ली मैंने यहाँ पर, बस इनसे ही हम सब्जी तैयार करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में ले लेना है सबसे पहले तेल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसके बाद इसमें फ्रेंड्स हम डाल देते हैं हरी मिर्च सबसे पहले, और उसके बाद डाल देंगे इसमें लहसुन। तो लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से हम थोड़ा सा भून लेते हैं। देखिए, हमारी अच्छे से लहसुन हरी मिर्च भून गई हैं। और इसके बाद में इसमें हम डाल देते हैं अब जीरा, यहाँ पर लिया है मैंने, और थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें राई और हल्दी, और इनको भी अच्छे से हम भून लेते हैं। बहुत बढ़िया लगती है फ्रेंड्स, जब कोई सब्जी नहीं होती है ना, तो इस सब्जी से आप आराम से रोटी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगती है, और कोई सब्जी की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसमें डाल देते हैं प्याज। तो मैंने प्याज की लेयर्स को थोड़ा सा अलग कर लिया था, आप भी इस तरीके से इसको काट के बनाइए, बहुत बढ़िया लगती है इस तरह से प्याज इसके अंदर। तो मैंने प्याज को अच्छे से पहले भून लेना है थोड़ा सा, ताकि प्याज हमारी अच्छे से भून जाए इसके अंदर। तो देखिए, प्याज अच्छे से भून गई है, इसमें कलर अच्छा आ गया है प्याज के अंदर। तो अब इसमें हमने जो टमाटर की ग्रेवी करी थी वो इसमें हम डाल देते हैं। तो मैंने 2 टमाटर की ग्रेवी करी है, तो इसको इसमें मिक्स कर देते हैं। और धनिया पाउडर डाल देते हैं अब इसमें, और इसमें डाल देते हैं हम नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा गर्म मसाला डालना है और लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, और इसको हम मिक्स कर देते हैं। फ्रेंड्स, मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद में सारे मसाले जब मिक्स हो जाते हैं इसके अंदर, इसके बाद में फ्रेंड्स इसमें हम डाल देते हैं कटे हुए टमाटर। 2 हमने टमाटर काट के इसमें रखे हुए हैं, वो इसमें हम डाल देते हैं। टमाटर अगर आपके पके हैं तो उससे सब्जी में थोड़ा कलर ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप कोशिश करें जो पके हुए ज़्यादा टमाटर उनका इस्तेमाल करें। इसमें हम डाल देते हैं 1/2 ग्लास पानी, और इसको अब हम ढक देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छे से पक जाए। जो हमने कटे टमाटर डाले थे वो थोड़ा पकने में टाइम लेते हैं, तो इसलिए हमने 5 मिनट ढक के इसको पका लेना है। तो देखिए, हमारे टमाटर 5 मिनट में अच्छे से पक गए हैं। इसको हम इस तरीके से चेक कर लेते हैं, आप इस तरीके से दबा कर देख लीजिए, मतलब आपके टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। तो इसमें अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच मलाई, जो कि इसमें बहुत बढ़िया एक क्रीमी टेक्सचर आएगा हमारी सब्जी के अंदर। और थोड़े से डाल देते हैं इसमें हम कसूरी मेथी, जिससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा, सब्जी में एक अलग ही टेस्ट आएगा। इसको अच्छे से कर देते हैं हम मिक्स। क्रीम डालने से फ्रेंड्स ये सब्जी एकदम क्रीमी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। ना पनीर की ज़रूरत है, ना हमें आलू की ज़रूरत, ना हमें किसी सब्जी की ज़रूरत है, और बिना किसी सब्जी के ही हमारी ये बहुत बढ़िया सब्जी बनकर इस तरीके से तैयार हो जाती है। आप पूड़ी पराठा है, रोटी है, किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो आप बनाइए इस रेसिपी को ज़रूर फटाफट से। तो देखिए, अच्छे से हमने इसको मलाई को मिक्स कर दिया है, मलाई अच्छे से पक गई है देखिए। तो इसमें हम धनिया पत्ती डाल करके और इसे अब हम सर्व करेंगे। हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी थोड़े से खट्टे रहते हैं। तो इसको हमने सर्व कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप इसे बनाकर देखेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें।